बुढ़ापे के प्यार में जवानी के उबाल कैसे लाएं? करू अरे कैसी है तू चिंडू करू तेरे बिना हम क्या करू कैसी है मेरी करू मैं तेरे बिना क्या करू बैठ जा चल और हाँ एक बात बता हाँ ये क्या पढ़ रही थी ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बता कुछ ना कुछ ना अच्छा तू बता तू कहाँ से आ रही है अरे बताएंगे ना तो तुम विश्वास भी नहीं करोगी हमारे पिंकी जी ने आज हमारे लिए जो किया है ना हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते करू अच्छा तो कहीं सरे बाजार यहाँ वहाँ चोटी तो ना काटी है चल बदमाश कहेगी ऐसा कुछ ना किया वैसे तेरे पिंकी जी ना कमर बड़ा अच्छा मटकाते बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ ये तो बिल्कुल सच कहा तूने मटकते बड़ा अच्छा है अरे पहले सुन तो हमारे पिंकी जी ने हमारे लिए क्या किया अच्छा अच्छा बता बता उन्होंने ना अपनी बॉडी पे हमारे नाम का टाटू बनवाया है वो नाम गुंदवाते है ना वैसे अरे फिर तो छाती पे टैटू बनाने के लिए छाती के बाल निकालने पड़े होंगे ना 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 वहां नहीं करवाया तो हमारे तो भाग ही खुल गए अरे कितनी जोर का प्रेशर आ रहा अच्छा हम क्या कह रहे थे तुम जीजा जी को कहो ना वो भी तुम्हारे नाम का अपनी बॉडी पर टैटू करवा ले तेरे जीजा जी बड़े डरपोक हैं इलायची के पापा जो है खून जांच करवाने में जाते हैं ना तो सुई देख के इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे सामने वाले के हाथ में तलवार रखी हो सच्ची और उनके फेफड़ों में इतनी जान ना है कि वो टैटू करवाएंगे इसका मतलब जीजा जी को सबसे ज्यादा दुनिया में जिससे डर लगता है वो सुई है ना सबसे ज्यादा वो अपनी साली से डरते क्यों क्यों इलायची के पापा है ना अरुणा से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं जब भी आती है ना तो खूब खुल के मजाक करते हैं उसके साथ मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे इलायची के पापा का दिल है ना मेरी बहन अरुणा पे डोला हुआ है तो इसमें डर काहेगा वहाँ वो अरुणा आई और यहाँ इनका मजाक करना शुरू और वहां मैं बेलन लेके दौड़ाना शुरू कर देती हूँ इसीलिए इलायची के पापा को सबसे ज्यादा ना अरुणा के आने से डर लगता है खैर ये सब तो घर की बात है तुझे क्या बताना तू नींबू पानी पिएगी या शरबत अरे ना ना आज ना पिंकी जी ने केसर डाल के हमारे लिए लस्सी बनाई थी अच्छा लगता है अब करुणा के नाम का टैटू बनवाकर उसको सरप्राइज देना पड़ेगा अरे खड़ा रहेगा वैसी रहेगा चुंडी पहन रखी है तो बाहर जा और सुन औरतों की तरह नाच जिससे ग्राहक थोड़े आकर्षित होंगे फिर लहंगा खरीद लाएंगे मैं मोबाइल पर गाना लगा रहा हूँ और तू जरा अच्छी तरह से ठुमक ठुमक के नाची हो सेठ जी आइडिया काम नहीं किया अरे करेगा काम अभी तो गए आए नाच आए लोगों ने देखे हैं लहंगा चुनरी अब देख कर सोचेंगे तब आएंगे ना बात कर रहा तू बेकार की सेठ जी हाँ एक बार ये आप करके दिखाइए ना सेठ जी हेलो हाँ क्या शादी को 5 साल हो गए बच्चा ना हो रहा है अरे तो क्या मैं कर दूं बच्चा बात कर रहा है बेकार की
बंगाली बाबा का नंबर मेरे पास ना है। अबे कौन है तू जो फोन कर रहे? अबे सुन झमा जम सर जी पंचम। अबे एक काम कर, अपने नाम पे जो है शहद लगा के चढ़ जाओ उसे। सुन फोन की रिपोर्ट लिखवा दियो, अभी तक ना लिखवाई तुमने। जी सर जी हम करवा देंगे, जल्दी जल्दी लगा कर। ठीक सर जी, एकदम जल्दी कर रहे हैं। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। हाय फावा, क्या कर रहे हो? गोलगप्पे बेच रहा हूँ, खाएगी तू? मतलब इतने प्यार से पूछा मैंने, लेकिन चढ़ा हुआ जवाब दिया जा रहा है बदले में। पिंटू भाभी, आप यहाँ दुकाने क्या कर रही हैं? मैं समझ गई, जीजा जी के बिना मन नहीं लग रहा है ना आपको? अरे ना इलायची, ऐसी बात ना, दिल लगने कोई बात ना, दिल लगाने के लिए तो सुनीता जी है ना। तो मिसेस पंचम, ऐसा कौन सा काम है कि आप अपने पति परमेश्वर का शाम तक इंतजार ना कर सकें? अरे 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 बुबू, ओह माय गॉड, पिंटू भाभी क्या हुआ? बुबू होश में आओ, देखो तुम क्या हुआ, साफ साफ बताओ। साफ बात यह है कि पेट साफ ना है, मतलब पेट में ना मरोड़ हो रही है, दिल धक रहा है धक धक, और सिर चकरा रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक ना लग रही। बुबू पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास ले चलो अभी। मिसेस पंचम, मैंने सुबह देखा था कि आप तो सीढ़ियों से एकदम रपा रप उतरती हुई चली आ रही थी, झटके दे दे के। नाना सेठ जी कूद कूद के ना उतर रही थी, आप गलत समझे, दरअसल बात क्या थी हम आपको बताते हैं। देखो सेठ जी, ऐसे हम ना ऊपर से उतर रहे थे, ऐसे सीढ़ी से उतर रहे थे, तो हम ऐसे ऐसे उतरे, पेट में मरोड़ आई तो पिंटू भाभी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? इतनी बड़ी परेशानी के लिए आपको तो पहले डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि आजकल बीमारी बढ़ने में टाइम नहीं लगता, मैं सही बता रही हूँ प्लीज। हाँ लेकिन मिसेज पंचम, दुकान पे बहुत काम है। पापा सो इनसेंसिटिव, आपको पिंटू भाभी की हालत नहीं दिख रही है और आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी है, वेरी बैड। पिंटू भाभी, जीजा जी के साथ साथ मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या पता मेरी इज्जत कब पड़ जाए, मतलब लेडी टू लेडी कभी इज्जत पड़ सकती है ना, मतलब ऐसा होता है ना हर बार। हाँ मैं चलती हूँ। ये बर्तन अगर इस वक्त अस्पताल चला गया तो मैं टैटू बनवाने कैसे जाऊंगा? बुबू आप एक काम करो, आप इलायची जी के साथ चले जाओ, वो क्या है ना कि दुकान पे और कोई है नहीं संभालने के लिए, तो हमें ही संभालनी पड़ेगी, सेठ जी अकेले नहीं कर पाएंगे। हाँ हम जानते हैं कि भले आपको इस समय हमारी जरूरत है, भले ही आपको कभी भी कहीं पे भी चक्कर आ सकता है, भले ही आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, पर बुबू इस समय सेठ जी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। दुकान हमारी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ देता है, आप जाओ। अरे भले भले करके इतने सारे तेरे तूने कमाल से छोड़ दिया मेरे ऊपर, इतना बदल लेके कैसे बैठूंगा मैं? बीमारी बढ़ गई तो फिर लंबी छुट्टी पे जाएगा तू। मेरा मतलब है कि इलाज में ज्यादा टाइम ना लगाना चाहिए, टाइम पे करा लेना चाहिए, बहानेबाजी मत कर, जा। थैंक यू सो मच पापा, यू सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट। चलो भाई जल्दी चलो, इमरजेंसी है भाई। धन्यवाद। हां खुश रह जा। अरे जा यार तू, चलो चलो जीजा जी फटाफट यार, चलो 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 मैं पकड़ती हूं, मैंने पकड़ लो। अरे ये क्या करूं, अब तो ये बर्तन भी चला गया दुकान से। अरे करो करो। वेट वेट, उफ, लो जी हो गया जी, ब्यूटीफुल, वाह। इलायची जी देखिए ना, पक्का जी आंखें खोलिए। कैसा है?
much, sir. I love you, Jijaji. This is so cute. Jijaji, अब ना मेरे प्यार का स्टैंप ना मतलब डायरेक्टली जाके आपके सीने पे यूं छप चुका है और अब आप मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ सिर्फ मेरी 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 पता है अभी दिल चाह रहा ना कि रोड पे यूं जाऊं और छलांगे मारूं बोलूं जी जाजी सिर्फ मेरे हैं एलाइची जी आप पिटवा देंगी हमें सुनो ये चूहापंती तो मेरे सामने छोड़ी दो बिल्कुल अरे किसी के बाप में दम नहीं है कि अरे भैया धरो अरे धरो मैं ये पूछ रहा था कि ये टैटू की दुकान है ना जी आप गलत जगह पे आ गए ये बिट्टू का मकान नहीं है ये टैटू की दुकान है पापा पापा है पापा है यार वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ये टैटू की दुकान है अरे कम सुनते हो क्या कह तो रहा हूँ कि ये बिट्टू का मकान नहीं है टैटू की दुकान है मैंने कब कहा कि बिट्टू का मकान नहीं है मैंने तो पूछा टैटू अच्छा खैर छोड़ ये बता ये बिट्टू का मकान है हाँ जी सही फरमाया ये टैटू की दुकान है बताओ क्या लिखवाना है किसका नाम लिखवाना है ना ना वो तो मैं बता दूंगा कहाँ लिखवाना है किसका नाम लिखवाना है लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ मुझे ना ये जो सुई है ना इसे देख के थोड़े चक्कर से आते हैं बताता हूँ क्या लिखवाना है यहाँ बैठू हाँ यहाँ पे बैठ दो कपड़े उतार दू सारे कपड़े उतार दू सारे कपड़े उतार दू जहाँ टैटू बनाना है वहां के कपड़े उतार दो हाँ तो वही के तो उतारूंगा कि सारे उतार दो उतारो हाँ भैया यहाँ बनाना है अच्छा सुनो भैया एक मिनट यहाँ लिखना करुणा मेरी जान वाओ नाइस बेस्ट हाँ आराम से करियो वाओ ब्यूटीफुल वाओ नाइस ये अरे लग रही है मुंह बंद हैं अरे यार दर्द हो रहा है बहुत वाओ ब्यूटीफुल ये बस वाओ वाओ Beautiful! मंगी सर सर ये लीजिए मैंगो शेक इससे ना आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा पिंकी जी कभी कभी सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को ये निकम्मा मिला था पिंकी जी के साथ बांधने के लिए ये वो सड़ा हुआ टमाटर हो रखा है जो सब्जी में गिरने लायक भी ना है बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं पुष्पा ये आम का रस मेरे अंदर की आग को नहीं बुझा पाएगा वो सर ना एसिडिटी है अभी आपने पिया ना ठीक हो जाएगा पुष्पा तू ना समझ रही है ये एसिडिटी नहीं है लेकिन ना एक एक एसिड सा है जो मेरी नसों में दौड़ रही है बदले का एसिड सर किससे बदला वही जिसकी आंखों में मेरे लिए दो करोड़ की इज्जत नहीं मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूं लेकिन मुझसे साला मुझसे बावर्ची का काम करवाता है पुष्पा मैंने ये नौकरी ज्वाइन की है चोर गुंडों को पकड़ने के लिए लेकिन वो साला पिंकी कमीना मुझसे लौकी पकड़वाता है और जब मैं पूछता हूँ सर ये क्या है तो बोलता है मंगीलाल ये लौकी समझ लो चोर की गर्दन है सर मैं आपका दुख समझ सकती हूँ तू ना समझ पाएगी पुष्पा मैं तो दुख के उस नदी में बह रहा हूं जहां इनके नामक मगरमच्छ साला कभी यहां भटकता है कभी वहां भटकता है कभी यहां घुसता है कभी वहां कटता है ना जाने कहां कहां को काट रहा है सर आप जूनियर हैं आप कर भी क्या सकते हैं बस पुष्पा बस इसी बात का रोना है कि मैं जूनियर हूं लेकिन पुष्पा ये मंगीलाल क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है पिंकी देखेगा बस सेठ जी हाँ बन गया टैटू आपका चेक कीजिए अरे जरा चश्मा दे ये लीजिए
वेरी नाइस। क्या लिखने को कहा था? क्या लिख दिया तूने? जो कहा था वही लिखा। अबे मैंने कहा था करुणा लिख। हाँ तो अरुणा लिख दिया, अरुणा। अबे करुणा का का का। हाँ अरुणा आ आ आ। मुझे लगता है सेठ जी आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, चेक करा लो। अबे मुझे लग रहा है तेरे कान के पर्दे में छेद हो गया है। बात कर रहा है बेकार की यार, क्या लिख दिया तूने? खेत? खेत क्यों करना सेठ जी? अरे इस उम्र में तो आपने टैटू बनवा के इतनी बड़ी लाइन, बहुत बड़ा काम किया, हिम्मत दिखाई है हिम्मत। अरे तूने मेरे घर में जो शांति थी ना उसमें बहुत बड़ा भूचाल ले आया तू, तू समझ ना रहा है। इलायची के पापा है ना अरुणा से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं, जब भी आती है ना तो खूब खुल के मजाक करते हैं उसके साथ। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे इलायची के पापा का दिल है ना मेरी बहन अरुणा पे डोला हुआ है। वाह क्या बेहतरीन टैटू बनाया है। करू को अब तक जो है शक था, अब यकीन हो जाएगा कि मैं उसकी बहन जो है अरुणा पे लाइन मारता हूँ, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे वाह इस उम्र में आपकी बीबी की बहन के साथ चक्कर चल रहा है? अरे इस उम्र में ही रंगीले हो रहे हो आप हैं? अबे जो बात नहीं सुननी चाहिए थी वो तूने सुन ली है, और जो सुननी चाहिए थी वो ना सुन पाया तू। आज तक अब ये बता इसका मैं करूं क्या, क्या करूं? मैं डरूं? अरे मैं क्यों डरूं, गलत काम आपने किया है आप डरो। अरे यार इससे उलझने से कोई फायदा ना, मेरी समझ में ना आ रहा, अब करूं पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। सेठ जी 2000। हे भगवान किस मनहूस घड़ी में मैंने ये टैटू को दबा लिया, अगर करू देख लेगी तो मेरा टैटू दबा देगी। मेरी कोई समझ में ना आ रही मैं क्या करूं, अभी तक कैसे वो करूं, कुछ 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 मेरे। इलायची के पापा ये अपने आप में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो हा? और ये मुंह में पान दबा के बात करना बंद करो, मैं देख रही हूँ इलायची के पापा तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, ये तो भाग ही फूट गए। अरे करू देख ऐसी गर्मी में तू आंसू मत बहा, शरीर का पानी कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, तुझे समझ ना रही है तू। और चटंकी भैया क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो आज। अरे क्या बताऊं जी जी तुम्हें, आज तेरे भैया की पूरे 5000 रुपए की लॉटरी लगी है। और ये लॉटरी का टिकट खरीदने के पैसे तूने कहां से ऐठे फिर? चीनी के डब्बे से। अरे वो जी जी मैं तुझे बताना भूल गया, मैं तेरे डब्बे से 500 रुपए निकाल लिए थे तो वो ही देने के लिए आया हूं मैं, ले ले। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे क्या जी जी कैसी बातें कर रही है, क्या मैं वो पैसे सारे मैं अपने ऊपर उड़ा लूंगा? ना ना अपने ऊपर क्यों उड़ाएगा, 100 गज का एक जो है प्लॉट खरीदेगा, उसमें मेरे लिए महल बनवाएगा, फिर अपनी बहन के लिए एक बड़ा सा हार गिफ्ट करेगा, बाकी जो पैसे बचेंगे वो इलायची की शादी में खर्च करेगा, है ना? अरे क्या जीजे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, उतनी लॉटरी होती ना तो वो भी कर देता मैं। खैर वो सब छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट लेके आया हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ कि तुम पे जच रही है कि ना जच रही। ले बस सुन, शर्ट पहना के कहीं मेरी पैंट तो ना उतार लेगा। क्या कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, चटंकी भैया कितने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं और तुम ओके इन पे इल्जाम लगा रहे हो। जीजा तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार, इतने प्यार से तुम्हारे लिए शर्ट लेके आया, उतने ही प्यार से पहन के दिखा देगा तो चटंकी को अच्छा लगेगा यार, फालतू की बातें कर रहा है। दिखा दे दिखा दे। यार तू भी ना। अरे इससे निकल जाएगा। अच्छा एक मिनट रुक। हाँ चल पहन के दिखाई देता हूँ। चल अब कह रहे यार जिद कर रहा तो पहनने आऊं मैं। खोला खोला खोला। कलर अच्छा है। अरे करू हाँ। क्या कह रहा था करू कि कल ना नहा दोगे पहन लूंगा ये, तब अच्छी लगेगी। अरे राजी के पापा अभी पहन लो ना, बेचारे छटंकी भैया को भी अच्छा लगेगा।
मैं कह रहा हूँ ना तुझसे कल पहन लूंगा, बस तू क्यों पीछे पड़ी है मेरे। अरे कैसी बातें कर रहा मैं, तुम्हें पहना देता हूँ, ऐसी कैसी बातें कर रहा तो अरे, मैं पहनाऊंगा तुम्हें, कैसी बातें कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कैसी बातें कर रहा है यार, मैं ना पहनूंगा। अरे तुम्हें एक मिनट रुक जा यार, अरे यार तू क्या बड़ो, तू खराब कर रहा है मेरे से, खराब ना कर रहा हूँ मैं, एक बार तू रुक जा, अरे बात समझ रहे हो, अरे देखो कैसे आदमी है, कितने प्यार से पहना रहे हैं, पहन ही ना रहे हैं, ये कोई बात है यार, मैं बताओ कैसे आदमी है जे, हाँ ये देखो पूरा यार लेथन है ये, जिंदगी का बताओ कितने प्यार से मैं शर्ट लेके आया, बताओ कैसी बातें कर रहा है, मेरे समझ में ना रहा है। जी जी ये जीजा मुझसे कब से शर्माने लगा, मुझे इस आदमी के लक्षण सही ना लग रहे हैं, जी जी तेरी कसम खा के कह रहा हूँ। फूट गए और भैया इतनी प्यारी शर्ट देखो तो क्या लाजवाब शर्ट है।